इस क्लास में हम शुरू करेंगे पेज मेकर के बारे में एक महत्वपूर्ण टूल। दोस्तों, मैं पेज मेकर से जुड़ा हुआ जो है इसके जो टूल्स होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो है जो तीसरा टूल होता है रोटेट करने के लिए इसका क्या इस्तेमाल है। आपने अगर अपने पेज मेकर पेज पर जो है पेज मेकर के जो पेज है पेज पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा हो, जैसे कि फाइल से जाकर मैं एक तस्वीर ले रहा हूँ, तस्वीर लेने के लिए मैंने बताया कैसे लेते हैं। मैं जाकर एक तस्वीर ले रहा हूँ, जैसे कि ये तस्वीर ले लिया मैंने, ओके कर दिया, ये तस्वीर बना दिया, ठीक है। आप मैंने एक जो है रेक्टेंगल बना लिया, तो आपने जो है एक तस्वीर लिया है, दो टेक्स्ट है यहाँ पर, एक वेदांतश्री लिखा हुआ है, वाराणसी लिखा हुआ है, दो टेक्स्ट दिख रहे हैं और एक तस्वीर दिख रहा है। चार चीज़ें आपको यहाँ पर बॉक्स इस पेज पर दिख रही है। अब इन्हें यदि आप रोटेट करना चाहते हैं, जिसे भी रोटेट करना चाहते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद से तीसरे टूल पर क्लिक करें और जा करके यहाँ कॉर्नर पर आकर के आप इसे जिधर भी घुमाना चाहते हैं आप इसे घुमा सकते हैं, जिधर भी घुमाना चाहते हैं आप इसे घुमा सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए इसका पूरा इस्तेमाल हम करते हैं, आप जैसे रखना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप इसमें आप आ जाएं, इसे भी आप रोटेट कर सकते हैं, जिधर भी आप चाहें उधर रोटेट करिए, आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से इसको आप सेट करें, आप इसे रोटेट कर लें, ठीक है। इस इमेज पर भी आप आकर के जो है इसके साथ भी जो है आप चारों तरफ आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल आपका होता है ये रोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे रोटेट कर सकते हैं, इमेज को जो है जैसा भी रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को जिस तरह से आप रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को उस तरह से आप रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ रोटेट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये टूल जो है पेज मेकर पे रोटेट करने का काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।